पुलिस को बरकागाना ओपी क्षेत्र में हुई गोलीबारी के मामले को सुलझाने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। घटना को अंजाम देने वाले दोनों अपराधियों को 48 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते 2 नवंबर की सुबह जिला के बरकागाना ओपी क्षेत्र में रेलवे की कंस्ट्रक्शन साइट पर बाइक सवार अपराधियों ने ठेका कंपनी के कंस्ट्रक्शन के परचेज मैनेजर पर गोली चलाई थी। गोली उनकी जांघ में लगी थी। घायल परचेज मैनेजर का इलाज मेदांता में चल रहा है। रामगढ़ एसपी पीयूष पांडे ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि बरकागाना के बुद्ध बाजार स्थित रेलवे क्वार्टर निर्माण की साइट पर 2 नकाबपोश अपराधियों ने गोलीबारी की थी, जिसे लेकर पतरातू में मामला दर्ज किया गया था। मामले का अनुसंधान कर रहे पुलिस ने अभियुक्त मानेश्वर कुमार 27 वर्षीय और अभियुक्त राहुल कुमार महतो 35 वर्षीय को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त होंडा साइन बाइक को भी जब्त किया गया है। एसपी पीयूष पांडे ने बताया कि दोनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है। मानेश्वर कुमार पर पतरातू और गोला थाने में आर्म्स एक्ट के सहित अन्य धाराओं में मामले दर्ज हैं। वहीं राहुल कुमार पर भी आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में पतरातू थाने में मामला दर्ज है। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। जल्द ही पुलिस उन्हें रिमांड पर लेकर घटना के अन्य पहलुओं की जाँच करेगी। दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी में बरकागाना ओपी प्रभारी विनय कुमार और सफीउल्ला सदलबल शामिल रहे। बरकागाना ओपी क्षेत्र में जो अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे क्वार्टर्स बन रहे हैं, वहाँ पर जो कंपनी उसका निर्माण कर रही थी, केके कंस्ट्रक्शन कंपनी, उनके मैनेजर मिस्टर विजय धवन को पैर में 2 अज्ञात अपराधियों ने, जो मोटरसाइकिल पर आए थे, उन लोगों ने गोली मार दी थी और इससे वो घायल हो गए थे और उनको मेदांता में भर्ती कराया था और वर्तमान में उनका इलाज चल रहा है। तो इस कांड के अनुसंधान के लिए एक विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया था, जिसको SDPO पतरातू वेन चौधरी लीड कर रहे थे। इस कांड में फिर अग्रतर अनुसंधान किया गया, इसमें लगातार छापामारी की गई और उसमें जो घटना में 2 लोगों ने, जिन्होंने गोली चलाई थी, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक मनेश्वर है और दूसरा राहुल कुमार महतो है। इन दोनों का जो मोटिव था, वो बेसिकली जो एरिया है बरकागाना का, जो एरिया है वहाँ जितने भी रेलवे के काम चलते हैं, कंस्ट्रक्शन चलते हैं, प्रोजेक्ट का काम चलता है, उसमें लगातार ये लोग रंगदारी मांगने की कोशिश करते हैं। वहाँ में जो काम कर रहे हैं उनको धमकाने की कोशिश करते हैं। तो उसी क्रम में ये वारदात हुई है। इन दोनों का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। दोनों पर लगभग 2-3-4 से ज़्यादा केसेस आर्म्स एक्ट से संबंधित, रंगदारी से संबंधित पूर्व में भी रजिस्टर हुए हैं। एक साइडिंग में कुछ झगड़ा ये लोग किए थे और उससे पहले एक बार जो अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, वहाँ पर कुछ JCB भी इन लोगों के द्वारा जलाने की बात सामने आई थी। तो उन केसेस में ये लोग जेल भी गए थे और आरोप पत्र भी समर्पित किया गया था इन लोगों के खिलाफ। किसी गैंग से ताल्लुक गैंग के साथ ताल्लुकात के संबंध में हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इनके और कोई तार हैं या किसी और से जुड़े हैं, तो फर्दर इन्वेस्टिगेट हम लोग कर रहे हैं।